दिल में हूँ रखता। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि कैसे आप इस टाइप की लिरिक स्टेटस वीडियो को बना सकते हो, वो भी बहुत सिंपल स्टेप पे। तो इस टाइप की लिरिक स्टेटस वीडियो को बनाने के लिए जो है आपको एक सिंपल सा काम करना होगा, इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक वॉच करना होगा। एंड अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना होगा। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। व्यूअर्स, सबसे पहले आप लोग को वीडियो बनाने के लिए VN ऐप को ओपन करना है। अगर आप लोग के पास VN ऐप नहीं है तो आप इसे गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो। ऐप को ओपन करने के बाद आप लोग को इस टाइप का इंटरफेस दिखेगा। तो सबसे पहले आप लोग को प्लस पे टैप करना है, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है एंड अपनी गैलरी से 4 सेकंड का आप लोग को इंट्रो वीडियो को सिलेक्ट करना है। एंड ये आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग इंस्टॉल कर लेना, मतलब कि डाउनलोड कर लेना, ठीक है। एंड इस वीडियो में मैं जितने भी मटेरियल का यूज़ करूँगा सभी का सभी डाउनलोड लिंक जो होगा आप लोगों को मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेना, ठीक है। एंड उसके बाद आप लोगों को 6 फोटो का आप लोगों को सिलेक्ट करना है। तो अब मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6 फोटो को सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों को नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपको इस टाइप से ऐसे आगे आ जाना है एंड इस ब्लैक वाले वाटर मार्क को आप लोग को डिलीट कर देना है, ठीक है। एंड उसको इस टाइप से आपको इधर आ जाना है, ठीक है। एंड यहाँ पे आप लोग को म्यूज़िक को ऐड करना है। तो म्यूज़िक को ऐड करने के लिए आप लोग को सिंपल सा म्यूज़िक वाले आइकन पर क्लिक करना है, म्यूज़िक पर क्लिक करना है एंड डिस्क्रिप्शन से म्यूज़िक हमने डाउनलोड किया है उस म्यूज़िक को आप लोग को सिलेक्ट करना है, ठीक है। एंड सिलेक्ट करने के बाद आप लोग को इसमें बीट को ऐड करना है। तो बीट को ऐड करने के लिए सिंपली आप लोगों को बीट पे ऐड करना है एंड आप लोग इसे कहीं पे नोट कर लेना, ठीक है। तो आप लोग को सबसे पहले बीट को आप लोग को ऐड करना है आप लोग को 4.37 सेकंड पे, ठीक है। एंड नेक्स्ट वाले बीट मार्क को आप लोग को ऐड करना है 5.63 सेकंड पे। एंड थर्ड वाले बीट मार्क को आप लोग को ऐड करना है 7.18 सेकंड पे। एंड फोर्थ वाले बीट मार्क को आप लोग को ऐड करना है 8.55 सेकंड पे, ठीक है। एंड उसके बाद 5 वाले बीट मार्क को आप लोग को ऐड करना है 10.02 सेकंड पे। एंड लास्ट वाले बीट मार्क को आप लोग को ऐड करना है 11.45 सेकंड पे, ठीक है। एंड ऐड करने के बाद आप लोग को राइट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। एंड उसके बाद फिर से आप लोग को राइट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोग को इस टाइप से ऐसे आगे आ जाना है एंड आप लोगों को अपने फोटो को थोड़ा सा ऐसे जूम कर लेना है जिस टाइप से मैं कर रहा हूँ, ठीक है। एंड उसके बाद आप लोग को अपने सेकंड वाले बीट मार्क पे क्लिक करना है एंड अपने फर्स्ट फोटो पे क्लिक करना है एंड अपने फर्स्ट फोटो को इस टाइप से बीट मार्क के अकॉर्डिंग आप लोग को एडजस्ट कर लेना है। इसी प्रकार से आप लोग को थर्ड वाले बीट मार्क पे क्लिक करना है एंड इस फोटो को भी इस टाइप से एडजस्ट कर लेना है। एंड उसके बाद नेक्स्ट वाले बीट मार्क पे क्लिक करना है एंड इस फोटो को भी इस टाइप से एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग इस टाइप से एडजस्ट कर लेना जिस टाइप से मैं कर रहा हूँ, ठीक है। एंड इस टाइप से एडजस्ट करने के बाद आप लोग को लास्ट वाले बीट मार्क पे, मतलब कि वीडियो के म्यूज़िक के एंड पे चले जाना है एंड अपने लास्ट फोटो को सिलेक्ट करना है एंड इस टाइप से आपको इसको भी कर लेना है, ठीक है। एंड उसके बाद आप लोग को नेक्स्ट काम ये करना है, आप लोग को इस कोई भी फोटो का प्लस पे क्लिक करना है एंड उसके बाद आप लोग को यहाँ पर इस टाइप से स्लाइड करना है एंड उसके बाद आप लोग को सिलेक्ट करना है लाइट को। लाइट को सिलेक्ट करने के बाद आप लोग को इसका ड्यूरेशन रखना है 0.5 सेकंड, ठीक है। उसके बाद आप लोग को अप्लाई टू ऑल पे क्लिक कर देना है एंड उसके बाद आप लोग को कोई भी अपने फ़ोटो पे क्लिक करना है। उसके बाद आप लोग को जाना है फिल्टर पे, फिर क्लिक करना है एडजस्ट पे एंड आप लोग को जाना है विगनेट पे, ठीक है। एंड इसको आप लोग को +100 कर लेना है, ठीक है। एंड अप्लाई टू ऑल पे क्लिक कर लेना है। तो आपका जो है इस सारे फ़ोटो में आप लोग का ये वाला इफेक्ट जो है अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो हमें इसे वीडियो पर अप्लाई नहीं करना है, तो वीडियो से रिमूव करने के लिए आप लोग को वीडियो पर टैप करना है, फिल्टर पर क्लिक करना है एंड इसको नॉर्मल कर लेना है, ठीक है। इसको 0 कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद राइट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। एंड उसके बाद आप लोग को फर्स्ट वाले फ़ोटो पे क्लिक करना है एंड इसमें इफेक्ट्स पे जाना है आप लोग को। एंड उसके बाद आप लोग को जिटल अप इफेक्ट को सिलेक्ट करना है, जो फर्स्ट वाला ये वाला इफेक्ट है आप लोग को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो उससे सिलेक्ट करने से पहले आप लोग को फ़ोटो को इस टाइप से पहले लाना है एंड इफेक्ट को सिलेक्ट करना है एंड इसको खींच करके आप लोग को आगे कर लेना है एंड राइट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। एंड उसके बाद आप लोग को फर्स्ट वाले बीट मार्क पर क्लिक करना है एंड इसमें हम लोग को अब सेकंड लिरिक्स वीडियो को ऐड करना है, ठीक है। तो सेकंड लिरिक्स वीडियो को ऐड करने के लिए सिंपल सा इस वाले आइकन पे क्लिक करना है, वीडियो से फोटोज़ पे जाना है एंड अपनी गैलरी से सेकंड लिरिक्स वीडियो को आप लोगों को सिलेक्ट करना है, ठीक है। सेकंड लिरिक्स वीडियो को सिलेक्ट करने के बाद आप लोग को टूल को ऐसे स्लाइड करना है एंड आप लोग को क्लिक करना है फील पे और उसके बाद आप लोग को स्लाइड करना है एंड उसके बाद आप लोग को क्लिक करना है ब्लेंडिंग पे।
ब्लेंडिंग पे क्लिक करने के बाद आप लोग को स्क्रीन को सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद आप लोग को राइट पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आप लोग को इस टाइप का इफेक्ट जो है लग जाएगा, ठीक है। तो मैं आप लोग को प्ले करके दिखा देता हूँ कि आप लोग का इफेक्ट कैसे लगा है। एंड इसको गैलरी में सेव करने के लिए आप लोग को सिंपल सा नीले एरो के ऊपर क्लिक करना, ठीक है, एंड एक्सपोर्ट पे बटन पे दबा के इसको एक्सपोर्ट कर लेना, जिससे आपका वीडियो जो है गैलरी में सेव हो जाएगा। सो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज का जो वीडियो है आप लोग को पसंद आया होगा। सो वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड अब मिलते हैं किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड लव यू ऑल।